नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। अभिनेता ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। चेस्ट इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत और हल्के बुखार के चलते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, मगर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके जानकारी दी कि ऋषि कपूर का निधन हो गया है। बता दें कि 2 दिन में 2 बड़े अभिनेताओं के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। जहां इरफान खान कोलन इन्फेक्शन से पीड़ित थे, वहीं ऋषि कपूर भी ल्यूकेमिया की बीमारी का इलाज करवाकर कुछ महीने पहले ही विदेश से लौटे थे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को मौत के दरवाजे तक ले जाती है। इसका कहीं न कहीं कारण हमारा बिगड़ा लाइफस्टाइल ही है। बहुत से लोगों को लगता है कि धुएं व तंबाकू से यह बीमारी फैलती है, लेकिन आपको बता दें कि घर में मौजूद ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कैंसर को बढ़ावा देती हैं। कैंसर के कारण धूम्रपान व शराब का सेवन, प्लास्टिक का सामान, कहीं ना कहीं गंदा पानी भी इस बीमारी को बढ़ावा देता है। माइक्रोवेव पॉपकॉर्न व डिब्बा बंद पैक्ड चीजें, नॉनस्टिक कुकवेयर व एल्युमिनियम फॉयल, केमिकल युक्त फल व सब्जियां, इसके अलावा अनहेल्दी डाइट, धूम्रपान और एक्सरसाइज न करने की वजह से कैंसर की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इससे कैसे बचाव करें। सबसे पहले तो प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल बंद करें। इसमें ऐसा केमिकल होता है जो कैंसर की वजह बनता है। कैंसर से बचा रहना है तो ब्रोकली, पालक, टमाटर, आलू, शिमला मिर्ची जैसी सब्जियां भी कैंसर से बचाने में काफी मददगार हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स व करक्यूमिन से भरपूर हल्दी का सेवन स्किन कैंसर के खतरे को कम करता है। खाने में हल्दी का इस्तेमाल कर आप ब्रेस्ट, पेट और स्किन कैंसर से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा कम से कम रोजाना 30 मिनट व्यायाम करें, आधा घंटे पैदल चलें, अपने मोटापे को कंट्रोल में रखें, अपनी डाइट में हेल्दी चीजें शामिल करें और जंक फूड जैसी चीजों से दूरी बनाए रखें। ऐसा करने से आप भी इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।